गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. बच्चा टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 3.6. फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द पेयर फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. बच्चा इफ यू रिमेंबर दैट इन द इंट्रोडक्शन आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज लीनियर इक्वेशंस इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज 1. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 1/x पावर है, तो ये तो ऊपर अगर लेके जाऊंगी तो ये माइनस हो गया, तो मीन्स इट इज नॉट इन द लीनियर फॉर्म. सो हाउ टू राइट इट, री राइट द गिवन इक्वेशंस, हाउ टू सॉल्व इट. हाँ जी बेटा जी, 1/2 इंटू 1/x, क्योंकि ऊपर वाला से मल्टीप्लाई होके 1, नीचे वाले से मल्टीप्लाई होके 2x. सेम मीन आई एम सेपरेटिंग द कॉफिशियंट्स ऑफ द वेरिएबल टर्म. सेम हियर, नाउ पुट 1/x u, 1/y v. So it is u into 1/2, 1/3 into v equals to 2. So firstly take the LCM, 3 2s are 6. It is 3u plus 2v equals to 2. Again cross multiply, 3u plus 2v equals to 12. This is our first equation. And from here 1/3 into u plus 1/2 into v, 13/6. Again 3 2s are 6, 2u plus 3v, 13/6. Cancelled. So here 2u plus 3v equals to 13. 2. Solve 1 and 2. Bacha, now you can check it. Ki jo u aur v hai, iski power 1 hai. So means it is in the linear form. 3u plus 2v equals to 12. 2u plus 3v equals to 13. बच्चा यू कैन सॉल्व इट विद एनी मेथड, किसी भी मेथड से कर लो. आई एम सॉल्विंग इट बाय एलिमिनेशन मेथड. सी हियर इट इज 2 एंड हियर इट इज 3. सो आई विल मल्टीप्लाई दिस कंप्लीट इक्वेशन बाय 3 एंड दिस बाय 2. सो 6u प्लस 4v 24, 6u प्लस 9v 39, प्लस माइनस 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 5v माइनस 15v माइनस 15 बाय माइनस 5 3v इज इक्वल टू 3. पुट इन 1, 3u प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 12, 3u प्लस 6 इक्वल्स टू 12, 3u इक्वल्स टू 12 माइनस 6 3u इक्वल टू 6 u is equal to 2. Clear now? Bacha, but we have to find the value of x and y. So 1/x equals to u. That implies 1/x. What is the value of u? It is 2. 2 by cross multiplication. 1, 2x, x equals to 1/2. Clear? After then, one by y equals to 3. 3y. So, x equals to 1/2, y equals to 1/3. Take a minute and check it. Bacha, these are all the new questions of with new type, that in which the linear equations are not already in their form. These are not in the standard form. These are here already, firstly in the different form, means in the denominator. And we learn when in 9th class, in 8th class, we learned the concept of polynomials. If you remember that, we learned it that the power of the variable is always
होल नंबर, क्लियर? नाउ बच्चा आई एम गोइंग टू रेज इट, क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन फर्स्ट सेकेंड पार्ट, 2 बाय अंडर रूट एक्स प्लस 3 बाय अंडर रूट वाई इज इक्वल टू 2, 4 बाय अंडर रूट एक्स माइनस 9 बाय अंडर रूट वाई इज इक्वल टू माइनस 1, क्लियर बच्चा? नाउ रीड आउट द गिवन इक्वेशंस. सो 2 इंटू 1 बाय अंडर रूट एक्स मीन्स I am separating the constant coefficients from the variable terms. Put 1 by under root x equals to a. Bacha, instead of x and y, you can use any variable. Here I am using a and b. In the previous one, I used u and v. Instead of the variable that is used by the equation, in the equation, you can use any variable. So here that implies give it 1 and 2. So 1 and 2 becomes kya ban gaye 2a 3b equals to 2 4a plus na 4a minus 9b equals to minus 1. See bacha agar ab ye dekho ye plus hai ye minus hai. ऑलवेज गो विद द कि जिसका साइन ऑलरेडी ऑपोजिट हो तो उसके कॉफिशेंट्स हम इक्वल कर ले. कैसे? अब यहाँ पे देखो ये 3 है ये 9 है. अगर इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 9 हो जाएगा. देन इट इज इजी फॉर अस टू सॉल्व. सो दैट इंप्लाइज 6 है, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 6 है, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 9 इक्वल टू 6b. इट इज 4a माइनस 9b इज माइनस 1. अब इनको डायरेक्टली ऐड कर दो. ये आया क्या आ गया ये 10 ए, इन दोनों को ऐड किया 10 ए इज इक्वल टू 5, 6 माइनस 1 8, 5 बाय 10 1 बाय 2 1 बाय 2 दैट इंप्लाइज ए इज इक्वल टू 1 बाय 2. नाउ फ्रॉम गिव इट एज 3, पुट ए इज इक्वल टू 1 बाय 2 इन 3. यहाँ पे पुट कर दो 4 इंटू 1 बाय 2 9b माइनस 1, 2 माइनस 9b माइनस 1 माइनस 9b माइनस 1 इधर जाके माइनस 2 माइनस 9b माइनस 3b. क्लियर? सो नाउ 1 अंडर रूट 1 बाय एक्स इक्वल्स टू a. अब हमें a इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो ये आया 1 बाय अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो 2 अंडर रूट एक्स. बच्चा आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. स्क्वायर रूट खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. तो 2 का स्क्वायर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर ओवर इक्वल टू एक्स. ठीक है? नाउ 1 बाय अंडर रूट वाई इक्वल्स टू बी, 1 बाय अंडर रूट वाई बी 1 बाय 3, 3 अंडर रूट वाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 3 स्क्वायर वाई स्क्वायर 9 इक्वल्स टू वाई. सो एक्स इक्वल्स टू 4 वाई इज इक्वल टू 9. चेक इट बच्चा. दोज हु अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फॉर देम दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बट फॉर अदर्स इट इज रियली टेरिबल. क्यों? क्योंकि अगर हमें समझ ही नहीं है कि हम इन चीजों को क्यों पुट कर रहे हैं फिर तो कंफ्यूजन होगी. जिसको कंसेप्ट क्लियर है उसके लिए बहुत इजी है, उसके लिए तो एक मिनट का काम है. क्लियर? नाउ थर्ड पार्ट. फोर बाय एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू 14,
3 by x minus 4 y equals to 23. Clear? Bacha, see, y is at its own place. I have just put 1 by x equals to a. So, 4. Now, I think there is no need to write in this way because we have understood. So, 4a plus 3y equals to 14. 3a minus 4y equals to 23. But many students put y also as b. It is up to you because y is already in the same form. Some student told me that, ma'am, agar hum a nikal rahe to y. So, what is the issue? Both are the variables. Dono ne apni different values leni as according to the situations. So you can take with go with anyone. But aap dekho ye plus or minus hai. Means add karke aa jayega. But I have to do is sirf kisse multiply karna hai opposite se. So I will multiply here it with 4 and this one with 3. So it is 16a plus 12y is equal to 56. 9a minus 12y equal to 69. Add kar rahe hum log. It is 25a. This is 125. A 125 by 25. It is 5. A is equal to 5. A is 5. So A is equal to 5. So A is equal to 5. So 4A plus 3y is equal to 14. 4 into 5. 5 4s are 20. 3y 14. 3y 14 minus 20. 3y minus 6y minus 6 by 3 is minus 2. But I am going to erase this one also. So y is equal to minus 2. Now 1 by x equals to a. So what is a? 5. 1 by x equals to 5. We have to find the value of. Now we have to find the value of x. So cross multiply. 1, 5x. X equals to 1 by 5. Y is equal to minus 2. Check it. But whenever you face any difficulty, please ask me. Now, fourth part. But I am going to raise this side, the complete. X minus 1, 1 by y minus 2 equals to 2. Bacha, here check. Initially there was only single variable in the denominator. Now here it is the complete expression. So we will put it complete. Put 1 by x minus a is equal to a, 1 by y minus 2 equals to b. Whatever is in the denominator, especially with the algebraic part, means koi polynomial hai, koi expression hai, whatever here it is, we have to consider. Ye nahi ki yahan pe 3x minus 1 aa jaye to matlab bracket mein bahar 3 ho, jaise hum pehle coefficients tha, to waise nahi, complete ka complete jo puri ki puri expression denominator ban rahi hai. So the given equations can be written as, कैसे लिखा जाएगा? 5a plus b is equal to 2, 6a minus 3b equals to 1. Clear? Now, बच्चा, यहाँ पे minus है, यहाँ पे plus, तो इस पूरे को किससे multiply कर दें? 3 से. Very good. So write it. 15a plus 3b equals to 6. 6a minus 3b equals to 1. इसको add किया. 6 और 15 और 6 कितना हो गया? 21a is equal to 7. A 7 by 21. 1 by 3. That implies A is equal to 1 by 3. Give it as 1. Put A is equal to 1 by 3 in 1.
6a, 1 by 3 minus 3b equals to 1, it is 2. 2 minus 3b equals to 1, 2 minus 3b, 1 minus 2, minus 3b minus 1, b, minus 1 by minus 3, b is equal to 1 by 3. Now, 1 by x minus 1 is equal to a. 1 by x minus 1 equals to 1 by 3 cross multiplication. 3x minus 1. A वाली इधर shift हो गया. X equals to 4. So x की value आगी 4. Y. 1 by y minus 2 is equal to b. 1 by y minus 2. 1 by 3. Cross multiplication. 3. Y minus 2. 3 plus 2. Y. y is equal to 5. So x equals to 4, y equals to 5. हाँ जी बेटा जी check it. If there is any difficulty, ask me. Okay बच्चा, thank you.